गुड फ्राइडे। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ही करुणा के सागर, ममता के रूप, शांति के पुजारी और परमात्मा के पुत्र ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। ये पर्व हर साल मार्च या फिर अप्रैल में मनाया जाता है। इस दिन देश और दुनिया में विशेष पूजा आराधना की जाती है। लोग घरों और चर्चों में जाकर प्रभु ईसा मसीह को याद करते हैं। ये सवाल उठता है कि आखिर ये फ्राइडे गुड क्यों है और प्रभु ईसा मसीह का इस दिन से क्या कनेक्शन है। चलिए कुछ ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु ईसा मसीह प्रेम की पराकाष्ठा प्रस्तुत करते हुए इस धरा से बढ़ते पापों को समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए उत्पीड़न और दर्द को सहकर सूली पर चढ़ गए। जिस दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन फ्राइडे था, इसीलिए इसे कालांतर में गुड फ्राइडे के नाम से जाना गया। इस उपलक्ष्य पर देश और दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे जैसे नामों से भी जाना जाता है। ईसा मसीह के जन्म को लेकर धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों में अनबन सी बनी रहती है। हालांकि सबसे सत्य और सटीक जानकारी पवित्र ग्रंथ बाइबल से मिलती है। इसके अनुसार ईसा मसीह का जन्म 6 ईसा पूर्व में बैथलेहम में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम था जो कि गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की निवासी थी। इनके पिता यूसुफ थे जो पेशे से एक कारपेंटर थे। दोनों शादी के बाद नाजरेत से भागकर बैथलेहम आ गए और यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हालांकि ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले ही उनके पिता यूसुफ की मृत्यु हो गई। ईसा ने अपने पिता के पेशे को ही अपनाया और अपने जीवन के 30 साल तक बढ़ई के रूप में काम किया और 30 साल की आयु में उन्होंने यूहन्ना से दीक्षा हासिल की। इसके बाद ईसा घूम घूम कर धर्म का उपदेश देने लगे। इस दौरान उन्होंने लोगों को धर्म, कर्म, मानवता और शांति का पाठ पढ़ाया। ये देखकर अंधविश्वास फैलाने वाले ज्ञानी शक्ति में आ गए और उन्होंने इसकी शिकायत रोमन राजा पॉन्टियस से की। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि ईसा खुद को परमेश्वर का पुत्र बताता है और एक दूसरे धर्म की स्थापना करने आया है। इस इंसान से अपने धर्म और संस्कृति को खतरा है। हालांकि राजा पॉन्टियस ने पहली बार केवल कोड़े मारकर ईसा को जाने दिया। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर किया। उनकी पत्नी का प्रभु ईसा के बारे में कहना था कि वे उनके सपने में आए थे और खुद को परम परमेश्वर का बेटा बताया था। राजा पॉन्टियस ने रानी की बात मान ली, लेकिन जब दूसरी बार धर्म पंडितों ने शिकायत की तो पॉन्टियस ने प्रभु ईसा को सूली पर चढ़ाने के आदेश दे दिए। इसके बाद ईसा मसीह को फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु ईसा को 6 घंटे तक सूली पर लटकाया गया था, उसके बाद सूली से उतारा गया था। जब ईसा को सूली पर चढ़ाया जा रहा था उस समय उन्होंने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, ये नादान है, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। और अंत में उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा आपको सौंप रहा हूँ। ये कहकर ईसा सूली पर लटक गए। उन्हें सूली से लटकाने से पहले कई बार शारीरिक यातनाएं दी गई। इस घटना के 3 दिन बाद प्रभु कब्र से उठ गए। इस दिन को ईस्टर डे कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर डे के बाद प्रभु ईसा 40 दिन तक धरती पर रहे और इसके बाद स्वर्ग लौट गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।